हेलो फ्रेंड, काफ़ी दिनों से हमारे कुछ प्लांटर थे जिनको कि हमको पेंट करना था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हमने कुछ प्लांटर पेंट किए हैं, जिन पे जो हमने बेस किया है तो वो ऑयल पेंट किया है, जो कि येलो कलर है। और बस सब पे ही हमने येलो कलर किया है ऑयल कलर से, क्योंकि ये जो है तो पानी, बारिश और धूप वगैरह में जल्दी नहीं निकलता है। तो बेस हमने ऑयल पेंट से तैयार किया था। तो इस तरह से देखिए, दफ़ा हमारा ब्रश भी टूट गया था, फिर भी हमने इस पर ये कलर कर दिया है। और एक कोट पे ये कलर अच्छे से नहीं आया था, तो इस पे हमने डबल कोट किया था। इसके बाद जो है तो हमने 0 नंबर के ब्रश से इस पे पेंट करना शुरू कर दिया है। देखिए इस तरह से, तो बस इधर पर लीव्स बनाई हैं और इस तरह से पेंट करते हुए इनको एक नया लुक दे दिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये पड़े थे और काफ़ी भद्दे से लगने लगे थे। कलर भी इनका काफ़ी उड़ गया था और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो बस आज सोचा कि जितने कर सकते हैं उतने किए थे, तो 4 या 5 हमने किए हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। तो इधर पर सिर्फ 5 लीव्स बना ली हैं। तो पहले रफ हमने ड्रॉ कर लिया था, उसके बाद अच्छे से हमने बाद में इसको शेप दिया है। तो बस इस तरह से चारों तरफ हमने वाइट कलर से, और जो ये वाइट कलर है तो यहाँ पर हमने एक्रेलिक कलर का लिया है और एक्रेलिक कलर से इसको पेंट किया है। तो बस इधर पर ये फ्लावर हमने 5 पत्ती वाले बना लिए थे, और उसके ऊपर जो है तो रेड कलर से, ये भी एक्रेलिक कलर ही है, तो बस इसको भी ऊपर से हमने डिज़ाइन देकर बना दिया था। पहले हम थोड़ा सा रफ काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें फिनिशिंग देते हैं। तो इस तरह से हमारे फ्लावर जो है तो वो तैयार हो गए थे, और साथ में जो है तो हमने कुछ लीव्स बनाई थी जो कि ग्रीन कलर से बनाई थी। तो बस ब्रश से जितना हुआ तो उसको बनाया है, और देखने में अच्छे लग रहे थे और कुछ चेंज हो जाता है। और हर बारिश के बाद तो वैसे हमको चेंज करना ही पड़ता है, क्योंकि बारिश में प्लांटर वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो तभी से ये रखे हुए थे जिनको कि हम पेंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज देखिए इनको कुछ नया कर दिया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और काफ़ी इजी मेथड से इनको हमने बनाया है। इसको कोई भी तैयार कर सकता है। इस तरह से आप कोई भी कलर डिज़ाइन का आप अपने जैसा भी आपका मन चाहे वो कर सकते हैं। इधर पर देखिए स्ट्रोक्स दे दिए हैं, बस थोड़े से पॉइंट रख दिए थे। तो ये प्लांटर बनके काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। पहले हमने रेड कलर के प्लांटर तैयार किए थे, और इस बार येलो कलर के तैयार किए हैं। तो चलिए दूसरा बनाते हैं, कि दूसरा तो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इधर पर देखिए इस तरह से हमने बना दिए थे, जो कि बहुत जल्दी बन गए थे और आसानी से भी बन गए थे। और ये वाला प्लांटर जो है तो हमको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जल्दी बन गया था, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो बस इधर पर मेन बात जो हमको ध्यान रखना है, कि कोई भी कलर करें तो बेस कलर को भी बहुत अच्छे से सूख जाना चाहिए, और उसके ऊपर यदि हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस कलर को भी अच्छे से सूख जाना चाहिए। इधर पर देखिए, बस हमने परमानेंट मार्कर लेकर ऊपर से आउटलाइन करके थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर दिया था। देखिए थोड़े से में बिल्कुल कम समय में कितना सुंदर सा एक प्लांटर बनकर हमारा तैयार हो गया है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और सुंदर सा बनके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद जो है तो बहुत सुंदर लग रहा था, और येलो और रेड कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए अगला बनाते हैं हम, कि तीसरा जो है तो हमने कैसे इसको बनाया है। तो इसमें जो था तो हमारा आउटलाइनर था ये हमारे पास, तो इसको हमने लगाया है, और ये भी काफ़ी जल्दी बन गया था। इस पर कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। हमने इस तरह से लीव्स की डिज़ाइन डाली थी, और ये कलर हमारे पास रखे हुए थे। तो देखिए दफा लीव्स बना दी थी, और इससे जो है तो कोई भी पेंटिंग करने में बहुत आसानी रहती है, और बहुत सफाई से और बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। तो ये मार्केट में हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और नहीं तो आपको ऑनलाइन भी ये कलर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दफा काफ़ी अच्छा लग रहा था, दफा ब्लू और साथ में येलो कलर भी काफ़ी अच्छा इसका कॉम्बिनेशन भी लग रहा था। तो बस इधर पर सिंपल से ही हमने प्लांटर तैयार किए हैं, लेकिन बन के काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बस इस तरह से देखिए, आज हमने सिर्फ एक घंटे करीब में पूरे प्लांटर अपने बना के तैयार कर लिए थे। बस जो सूखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो वही था। तो इधर पर देखिए तीसरा भी हमारा ये बन के प्लांटर तैयार हो गया है, और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि इस पर और ज़्यादा आप डिटेलिंग करें, या कुछ और भी इस पर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से बन के हमारा तैयार हो गया है, और काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी
सुंदर लग रहा था बनने के बाद। तो चलिए अब देखते हैं कि हमको अगला जो प्लांटर है तो उसको किस तरह से बनाना है। तो इसमें हमने जो है तो भिंडी ली है, तो भिंडी को बीच से कट कर लिया है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से बीच से कट कर लिया है भिंडी को, और बस इस पर कलर लगा के और इसको ब्लॉक की तरह उस पर प्लांटर पर हमको लगा देना है। तो ये काफ़ी आसान है। इसी तरह से आप आलू वगैरह का भी ले सकते हैं, उस पर डिज़ाइन बना के आप प्लांटर पे कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान सी मेथड है ये, और बहुत जल्दी से ये फटाफट से बनकर तैयार हो गया था। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि आज के हमारे प्लांटर आपको कैसे लगे, और अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।